वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम रेडी हो गए हैं। आज है जानकी की गुरुद्वारे, तो वहाँ जाना है। और जानकी का ससुराल पड़ता है बड़ोड़ा में, तो हमें बड़ोड़ा जाना है। और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, काफ़ी टाइम हो चुका है, बस ये दूसरी बार ही मैंने पहना है। और हैवी साड़ियाँ जो है मैं ज़्यादातर नहीं पहनती हूँ, बस आज अच्छा सा फंक्शन था तो सोचा चलो पहन लेते हैं। तो यहाँ रिद्धि और जानसी दोनों रेडी हो गए, और विशु और सिद्धि वो भी रेडी हो गए। सिद्धि ने जो साड़ी पहनी है वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, मीशो से मंगवाई है, और उसको पसंद थी तो उसने उसका ब्लाउज भी सिलवा दिया है, और उसने मैंने उसको वो साड़ी दे भी दी है। और यहाँ हम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो जिगर सुबह ही आए थे, क्योंकि अब सबको पता है कि दिव्या का एग्ज़ाम चल रहा है, तो दिव्या मेरे साथ नहीं आया था तारापुर, तो फिर जिगर रात को घर पे रुक गए थे, तो सुबह ही आए हैं। और यहाँ ये है शैलेश भाई, मेरी बड़ी बुआ का लड़का, तो वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे भी वीडियो में लो। मैं बोली वहाँ तक आपको वीडियो में लेने के लिए आऊँगी, तो सब लोग बोलेंगे चलो चलो जल्दी करो। तो ये गौतम है मेरे चाचा का लड़का, वो मुझे पूछ रहा है कि वहाँ गाड़ी में कितने लोग आ गए हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग को बिठाना है, कोई रह ना जाए वो भी है। और मुहूर्त भी 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा गुरुद्वारे का, तो बस वही है। तो देखिए प्रियंका भी आ गए हैं, शंभु भी आ गया है, और मेरी बा नहीं आएगी, मेरे पापा भी नहीं आएंगे, काका भी मतलब कि चाचा भी नहीं आएंगे, गुजराती में चाचा को हम काका बोलते हैं। और ये पिंकी भाभी हैं, और उनका बड़ा बेटा रोहन है, और पिंकी भाभी ये शैलेश भाई की वाइफ है। तो शैलेश भाई को मैं बोली कि शैलेश भाई टेंशन मत लो, आपको मैंने वीडियो में ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब निकलते हैं बड़ोड़ा के लिए। तो ये महिसागर नदी है, और बहुत ही बड़ी नदी है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए रुक गए थे। और हम आगे थे इसलिए पीछे शैलेश भाई की गाड़ी आ रही थी, शंभु और गौतम सब लोग आ रहे थे, तो उनका यहाँ पे वेट भी कर रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो वो लोग आए तब तक यहाँ आपको महिसागर नदी के दर्शन करवा लूँ, तो बस आप दर्शन कर लीजिएगा महिसागर नदी के। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं बड़ोड़ा, और हमें यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए बोला था, इसलिए हम सब लोग आ गए थे नर्सरी में। तो चलो सब लोग कहाँ खड़े हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये सब लोग वहाँ गेट पर खड़े हैं, वो दूर से नर्सरी को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं नर्सरी में घुसकर नर्सरी को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्लांट है ना, मतलब कि मुझे प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए प्लांट कितना ग्रो किया है और कितने सारे फूल लगे हैं, और हम घर पे ले जाकर मतलब कि प्लांट रखते हैं तो इतना ग्रो नहीं करते। और हमारे यहाँ बंदर भी इतने आते हैं कि प्लांट की गुच्छियाँ उड़ा देते हैं, मतलब कि तोड़ फोड़ कर प्लांट को ख़त्म कर देते हैं। फिर भी मैं सोच रही हूँ रिटर्न में यहाँ से मैं कुछ ना कुछ लेकर तो जरूर जाऊँगी, तो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे जानकी के घर, तो देखिए बहुत सुंदर से सजा है, और हम सब लोग बैठे थे यहाँ पर। मैं अपनी बुआ की लड़की के साथ बैठी थी, उसका नाम है हेमा, पर हम सब लोग बचपन से उसको पप्पू के नाम से बुला रहे हैं, तो उसको भी मैं मिलवाऊंगी, और मतलब कि बाद में मिलवाती हूँ आपको। और यहाँ बड़ोड़ा में हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और चलिए चलते हैं जानकी के पास। तो देखिए जानकी पड़ोस के यहाँ बैठी थी, तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और मुझे देखकर हंस रही थी क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था इसलिए। और उसने जो साड़ी पहनी है ना, उसका कलर साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब, और बहुत अच्छे से तैयार हुई है, तो बहुत सुंदर लग रही है। जानकी के पास जो बैठी है उसका नाम है मानसी, वो जानकी की देवरानी भी है और जानकी की मौसी की लड़की भी है। उनकी शादी को हुए 10 दिन या 1 वीक जितना टाइम हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सब लोग यहाँ आ चुके हैं, और यहाँ से उन लोगों की मतलब कि एक अलग रस्म है गुरुद्वारे की, मतलब कि सब लोगों की यहाँ अलग अलग रस्म होती है गुरुद्वारे की। तो चलो वो भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या करते हैं। तो देखिए जानकी की सास है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको सब दिखाऊंगी कि यहाँ कौन सी रस्म होती है, और हमारे यहाँ कौन सी रस्म होती है वो भी मैं बताऊँगी आपको। तो देखिए जानकी खड़ी हो गई है,
और जानकी के दोनों हाथों में सगुन रखेंगे, फिर कोई अनाज रखेंगे, जैसे कि कोई चावल रखता है तो कोई गेहूँ रखता है, फिर उस पर नारियल रखेंगे। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि नारियल अनाज सब कुछ रखते हैं, पर जिनके घर में आप हो, जो पड़ोस के घर में आपको बिठाया गया है, तो उनके घर के बाहर जब निकलते हो तो जितने दरवाजे आते हैं वहाँ एक एक नारियल रखना होता है। फिर खुली ज़मीन पे आपको नहीं चलाया जाता, उसके ऊपर कोई ना कोई कपड़ा रखते हैं, वो कपड़े पे आपको चल के जाना होता है जहाँ तक आपका घर है वहाँ तक। फिर जितने स्टेप आप चलते हो ना उतने स्टेप एक रुपया और एक सुपारी रखते हैं, तो वो सुपारी पैसे फिर बाद में ननंद ले लेते हैं। और हमारे यहाँ जिसकी गोद भराई होती है ना उसकी हेयर स्टाइल नहीं होती है, उसको बालों को बांधा नहीं जाता है, पोछा भी नहीं जाता है। आप हेयर वॉश करते हो तो उसको पोछा भी नहीं जाता, बस ऐसे ही गीले ही खुले रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स से, और वो है मेरा भांजा हेमा का बड़ा बेटा हर्ष। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि तू मेरा सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि वो मेरे वीडियोस बहुत ही देखता है और वो छोटा बेटा है, तो ऐसा बोल रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स हो आप, तो वो हंस रहा था। और सब लोग जा रहे हैं जानकी के पीछे पीछे जानकी के घर पे, तो हम पहुंच चुके हैं जानकी के घर पे। तो चलो अब आगे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जानकी की सास जो है, तो आंटी जो है जानकी की नज़र उतारेंगे। तो देखिए वो आ चुके हैं, हाथ में पीतल का लोटा लिया है, उसके अंदर पानी है, और ये जो सब कुछ दिखा रहे बता रहे हैं वो बा है, जानकी के सास की सास है। तो देखिए वो जैसे जैसे बताएंगे कि ये करना है वो करना है, वैसे वैसे जानकी के सास जो है वो सब कुछ वैसे वैसे ही करेंगे। तो देखिए घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जब कोई ऐसे फंक्शन होता है तब वो आपको सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि कौन से रिवाज कब करना है, कौन सी रस्म कैसे करनी है, तो तब बहुत हेल्प मिलती है। तो देखिए वो जैसे जैसे बता रहे कि ये करना है वे करना है, ऐसा करो इस तरह से करो, तो वो वैसे ही करते हैं। अब जानकी की नज़र उतार दी है तो पानी जो है वो बाहर जाकर वो धुराएंगे, तो मतलब कि फेंकाएंगे। तो चलो अब जानकी जाएंगी स्टेज पर, तो चलिए बैठते हैं और आगे के जो रिवाज होते हैं, जो रस्म होती है, वो भी मैं दिखाऊंगी, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और ये जो साड़ी पहनकर जानकी के सामने खड़ी है वो भी तारापुर की ही बेटी है, और उसका नाम है मुरली, और उसको राधा भी बुलाते हैं। देखिए मैंने उसका फेस भी आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर गुदबराई की रस्म होगी सब, तो उसको हाथों में फूल इसलिए लगाया है और गले में भी माला फूल की इसलिए पहनाई कि जानकी की गोद भराई की रस्म वो करेगी। तो वो भी कैसे करेगी वो सब कुछ मैं आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जानकी के सास जानकी को तिलक कर रही हैं और उसका जो मुंह है वो मीठा कर रही है। तो चलिए वो भी देखते हैं आगे कि क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुरली और जानकी दोनों एक दूसरे के सामने बैठ चुके हैं, और ये वीडियो शूट किया है रिद्धि ने, क्योंकि मैं बीच में बैठी थी तो पॉसिबल नहीं था कि उठकर मैं वीडियो शूट करूं। तो फिर मैंने रिद्धि को बोला कि तू वीडियो शूट कर, पर उसने अच्छा वीडियो शूट किया है। तो देखिए यहाँ पे जानकी की सास जानकी को साड़ी उड़ा रही है, तो बस थोड़ा सा पल्लू सर पे रखेंगे। तो एक रस्म ये भी है यहाँ की, और फिर जो भी रस्म होगी यहाँ की वो मैं बताऊँगी। तो जानकी को यहाँ गोल्ड की रिंग मिली थी गिफ्ट में, और हर सास देती है कुछ ना कुछ गिफ्ट में। तो यहाँ पे देखिए जानकी के पल्लू में एक नारियल रखा है, और चावल लिए हैं और सुपारी ली है, तो दोनों हाथों को क्रॉस में करके मुट्ठी मुट्ठी भर के ऐसे उसके पल्लू में चावल डालना है। और ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि एक भी दाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, वरना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। तो कोई 5 बार अनाज डालता है, कोई 7 बार, कोई 9 बार या कोई 11 बार, सबकी अपनी अपनी एक रस्म होती है। तो ये सब कुछ अनाज सुपारी सब कुछ इसके गुद में डालेंगे, और फिर जानकी वापस मुरली के पल्लू में डालेगी। तो ऐसे भी एक दूसरे के पल्लू में कोई 5 बार ऐसे गुद भराई करता है, कोई 7 बार, कोई 9 बार या कोई 11 बार। तो देखिए जानकी खड़ी हो गई है और मुरली की पल्लू में सब कुछ संभाल कर डाल रही हैं।
जैसे मैंने बोला, बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब मूली खड़ी हो गई है तो वो वापस जानकी के पल्लू में नारियल और चावल सुपारी सब कुछ वापस डाल रही, तो ऐसे 5 बार 9 बार या 7 बार 11 बार करते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए ननन जो है वो चांदी की को राखी लाते हैं, तो यहाँ पे वही पहना रहे हैं जानकी की ननन, जानकी को राखी पहना रही। उसके बाद शगुन दिया जाता है, तो चारों ननन ने राखी पहनाई थी चांदी की, तो चारों को फिर शगुन दिया था हेतल ने। और वो भी रिवाज होता है कि यहाँ पे गिफ्ट देते हैं जो मायके वाले हैं वो ससुराल वालों को, तो वो सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हुआ था लंच, फिर तुरंत हम लंच करने के लिए गए थे, तो वो वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। और फ्रेंड्स, लंच के बाद हम निकल चुके थे मेरी बुआ की लड़की के यहाँ पप्पू के घर पे, तो वो भी यहाँ रहती है, पहले मैंने बता दिया था आपको। तो उसके घर पे आए थे, और उसका घर भी जानकी के घर से बहुत नज़दीक पड़ता है। और ये कप्पू का छोटा बेटा है ऋषि, तो वो खेल रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं छोटी सी इसकी भी क्लिप ले लेती हूँ। और उसका बड़ा बेटा है, तो उसको तो मिलवा चुकी हूँ आपको, तो ये कंप्यूटर चालू कर रहा था, तो मैं पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। और सब लोग खड़े थे यहाँ किचन में, सब बातें कर रहे थे। और सच में बहुत ही सुंदर घर है इसका, तो सब इसी बात पे बात कर रहे थे कि आपका घर बहुत सुंदर है। फिर हम निकल चुके थे घर के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से जानकी को विदाई कर दिया है, तो जो भी अनाज इसकी गोद में था वो सब अनाज एक मटकी के अंदर भर देते हैं, और जो नारियल उसके हाथ में था वो नारियल मटकी के ऊपर रख देते हैं, और इसको भी संभाल कर ले जाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलते हैं जल्दी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।